एक और लेटेस्ट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुकी हूँ। एक बहुत बड़ी हायरिंग है जिसमें आपको सैलरी 19 से 20,000 रुपए तक दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको खाने के लिए 3 टाइम जो है फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं डायरेक्टली आपको HR के जरिए, जिनके थ्रू ये वैकेंसी आई है, उनके जरिए पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि ये वैकेंसीज कौन कौन सी लोकेशंस पर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट बिना इंटरव्यू के कैसे आपका होगा सिलेक्शन, सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी उनके ही जरिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो एंड बेल आइकन को भी प्रेस किया हो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बोलिए सर, जैसे कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए लेकर के आते हैं और जैसा कि अभी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आई भी हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना नाम बताइए और कौन कौन सी कंपनी में अभी आप हायरिंग्स लेकर के आए हैं ये भी बताइए। ओके, हमारा नाम आदित्य यादव है और हमारे पास बहुत सारे लोकेशन पर बहुत सारी कंपनियों में भी हायरिंग चल रही है। जैसे कि अभी अहमदाबाद लोकेशन पर चल रही है, यहाँ पर बेंगलुरु में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, ये सब जगह पे अभी भारी मात्रा में भर्ती चल रही है, हायरिंग चल रही है। अच्छा, तो अभी आप मेनली 3 लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अहमदाबाद लोकेशन की, तो यहाँ पर कौन सी प्रोफाइल में हायरिंग्स हैं? अभी यहाँ पर जैसे कि मैन्युफैक्चर कंपनी है विजी ऑटोमोबाइल, इसमें बाइक, स्कूटर हो गए, कार हो गए, इसके पार्ट्स बनते हैं, तो इसमें हेल्पर के भी है, ऑपरेटर है, क्वालिटी चेक, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सब तरह की पोस्ट की हायरिंग चल रही है अभी। अच्छा, सैलरी यहाँ पर कितनी दी जा रही है सर? इसमें सैलरी 19,000 से 20,000 के करीब है, 19,000 मान के चलते 19,000 चलती है और इसमें रहने खाने सब कुछ की सुविधा बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। खाने की फ्री टाइम फूड बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाता है, बिकॉज बच्चे जब बाहर आते हैं तो उन्हें खाने में बहुत सारी दिक्कतें आती है बनाने में, इसलिए कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है सर, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उनकी? अनपढ़ बच्चे भी आ सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो भी आ सकते हैं, गर्ल्स भी आ सकती है, और जो भाई पढ़े लिखे जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो भी आ सकते हैं, यानी ये समझिए कि आधार कार्ड पे भी ज्वाइनिंग करवा देंगे। अच्छा, इंटरव्यू वगैरह होगा सर? इंटरव्यू नहीं मान के चलिए, क्योंकि डायरेक्ट करवा देते हैं। अच्छा, ओके। और सैलरी सबको 19,000 से 20,000 के बीच में दी जाएगी? 19,000, वो 19,000 बच्चे की CTC होती है, PFESI जिसे कहते हैं, वो सब काट काट के बच्चे की 17,000 आते हैं। रूम भी बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के आसपास में, बट बच्चे को रूम का किराया देना होता है। खाना फ्री है 3 टाइम का? हाँ, खाना फ्री है। अच्छा, जो सर बैंगलोर लोकेशन की वैकेंसी है, इसमें सर कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? इसमें जो भाई 10th है 12th है, ग्रेजुएशन है, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अहमदाबाद में सबसे अच्छी बात ये है कि जो 18 साल के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 50 साल तक के हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें एज का बहुत ही ज्यादा ये है, अच्छी चीज है कि एज 50 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु में पैकिंग का वर्क होता है, इसमें एज 30 तक ही चलेगा। अच्छा, बेंगलुरु में पैकिंग का काम करना होगा? हाँ, पैकिंग का है। उसमें सैलरी कितनी है? 19,000। 19,000 रुपए के आसपास। और इसमें भी खाने पीने की फैसिलिटीज है क्या सर? हाँ, कैंटीन, जिस समय ऑन ड्यूटी बच्चे होते हैं उस समय कैंटीन की सुविधा फ्री होती है। अच्छा, मतलब 2 टाइम का मील बोल सकते हैं कि जब बच्चा ऑफिस में काम कर रहा होगा या फैक्ट्री में काम कर रहा होगा तब उसको जो है खाना दिया जाएगा, 1 टाइम का उसको खुद से अरेंज करना होगा। वहाँ भी रूम बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट बच्चे को वहाँ पर रूम का किराया पे करना होता है। अच्छा, जितनी सारी लोकेशन है हर एक लोकेशन पर हम बच्चे को रूम प्रोवाइड करवा देते हैं, बट रूम रेंट बच्चे को पे करना होता है। अच्छा, राजस्थान में सर जो वैकेंसी आई है इसमें क्या क्वालिफिकेशन? राजस्थान में भी मारुति सुजुकी की पार्ट्स बनाने वाली है, उसमें 10th 12th ग्रेजुएशन ITI वाले बच्चे आ सकते हैं। इसकी यहाँ सैलरी 17-18 हजार की करीब चल रही है। अच्छा, ठीक है।
तो सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं अप्लाई करेंगे, कोई फीस कोई चार्जेस वगैरह है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? जी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम पहले भी जितनी सारी वैकेंसी आती है आप सभी को भी हम आपको भी बता देते हैं कि जितनी वैकेंसी है हमारी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एक भी पैसे बच्चे से नहीं पे करवाए जाते ना ज्वाइनिंग के पहले ना ज्वाइनिंग के बाद। अप्लाई करने के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर या मेल आई डी? कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा, कितने बजे से सर कितने बजे तक कॉल कर सकते हैं लोग? सुबह 6-7 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। और हाँ, वही भाई कॉल करेंगे, वही कैंडिडेट कॉल करेंगे जो जॉब करने में इंटरेस्टेड हो। बहुत सारे ऐसे भी हो जाते हैं जो कि सिर्फ कॉल करके ट्राई करते, तो ऐसे कृपया करके कॉल ना करें क्योंकि प्रॉब्लम ही हो जाती है। ओके, ठीक है। तो ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सर मैं लोगों तक पहुंचा देती हूँ, अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट कर लेती हूँ। काफ़ी सारे लोग जो लोग एलिजिबल हैं आपको कॉल करेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है नौकरी लगाएं हमारे इस चैनल के माध्यम से। जी बाद बाकी जो भी भाई इस चैनल को देखते हैं उसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जितने सारे हमारे बेरोजगार भाई हैं सभी को रोजगार मिल सके, रोजगार कर सके, दो पैसे कमा सके। ओके, थैंक यू सो मच सर इसके लिए भी। थैंक यू। सो गाइज, जैसा कि सर ने आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारी जानकारी दे दी है, सर के पास 3 लोकेशंस पर अभी इस वक्त हायरिंग चल रही है और रेगुलर बेसिस पर सर के पास हायरिंग्स आती ही रहती हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के लिए jobnow247.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी है। फटाफट से आप गूगल पर टाइप कीजिए www.jobnow247.in, इस तरीके से ये वैकेंसी आपके सामने ओपन अप होकर के आ जाएगी। रीड आउट कीजिए, सर को डायरेक्टली कॉल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए। इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।